दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस क्या है, व्हाट्सएप बिजनेस कैसे काम करता है और अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो क्यों जरूरी है आज के वक्त में और अभी आपको व्हाट्सएप बिजनेस ज्वाइन करना, ये सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में, या व्हाट्सएप बिजनेस होता है, ये डिफरेंट होता है या सेम होता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि व्हाट्सएप मैसेंजर जो है, जो कि आप यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट होता है और व्हाट्सएप बिजनेस जो होता है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो सकता है। दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन हैं। अब व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को कॉल्स, मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस और डिफरेंट चैट्स ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, उसको हम कहते हैं व्हाट्सएप, जो कि एक सिंपल मैसेंजर एप्लीकेशन है। सो फ्रेंड्स, सिंपल इज दैट जो मैसेंजर व्हाट्सएप है उसको यूज़ करते हैं मैसेजेस के लिए, कॉल्स के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, चैट्स के लिए। बट यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस की, तो ये मोस्टली यूज़ करते हैं वो बंदे जिनके बिजनेसेस हैं, रिटेल का काम है, होलसेल का काम है, या कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसके लिए उनको बिजनेस फंडामेंटल्स की ज़रूरत है, बिजनेस टूल्स की ज़रूरत है, जिसके लिए वो व्हाट्सएप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी और बात करें व्हाट्सएप बिजनेस की, तो यहाँ पे आप कोई छोटा बिजनेस या कोई बड़ा बिजनेस, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये मैटर करता है कि ये व्हाट्सएप बिजनेस टूल्स ऐसे प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप उन टूल्स को यूज़ करके अपने छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस को और ज़्यादा एंगेजमेंट कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती है और आपको बहुत सारी अच्छे टूल्स मिलते हैं यूज़ करने के लिए अपने बिजनेसेस में। दोस्तों यहाँ पे अगर कंपैरिजन्स की बात करें तो जो व्हाट्सएप मैसेंजर है उसमें आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, लिमिटेड टूल्स मिलते हैं कन्वर्सेशंस करने के या कोई भी एक्टिविटी करने के, जिसको पर्सनल यूजर्स हम कह सकते हैं। बट यहाँ पे अगर बात करते हैं बिजनेस व्हाट्सएप की, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो जो व्हाट्सएप मैसेंजर है या व्हाट्सएप बिजनेस है, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसको हम जस्ट प्ले स्टोर से जाके हम डाउनलोड करते हैं, जो कि MBs होते हैं उसका ही खर्चा आता है, बाकी ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ यूज्ड होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप का और एक वर्जन है व्हाट्सएप API, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से और डिटेल से बात करेंगे। अगर दोस्तों लिटरली हम उसके बारे में जानें कि व्हाट्सएप API जो होता है वो बहुत सारे बिगेस्ट बिजनेसेस जो होते हैं उसमें यूज़ होता है, बहुत सारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। दोस्तों अगर हम कंप्लीट बात करें टूल्स की, तो व्हाट्सएप मैसेंजर जो होता है उसमें आप अपनी प्रोफाइल को सेट आउट कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्टेटस लगा सकते हैं, इसके अलावा आप अपना बायोडाटा उसको सेट आउट कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स होते हैं जो कि आप व्हाट्सएप मैसेंजर में यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट्सएप बिजनेस की, तो उसमें हमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ टूल्स मिलते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस में। दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस में आपको वेबसाइट्स, लोकेशंस, वर्किंग आवर्स, इसके अलावा क्विक रिप्लाइज, अवे मैसेजेस और ग्रीटिंग मैसेजेस और कैटलॉग्स शामिल हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स तक आप पहुँचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैटलॉग हो जाता है, या वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, या क्विक रिप्लाइज हो जाते हैं। क्विक रिप्लाई से ये होता है कि आपके कस्टमर ने आपको मैसेज किया, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा उसको कि आप अभी अवेलेबल नहीं हैं, जैसे ही आप फ्री होते हैं आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। इसके अलावा कैटलॉग होते हैं कि जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उसकी आपने कैटलॉग एक गैलरी सेट आउट की होती है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन, टाइटल और प्रोडक्ट कोडिंग वगैरह या प्राइसिंग वगैरह लिखी होती है, जिससे आपके कस्टमर जो हैं आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को वो खरीद सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स जो हैं जस्ट आपको व्हाट्सएप बिजनेस में ही मिलेंगे, सिंपल व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, या इसकी कितनी वर्थ है, और अगर आप इसको यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में तो आपको कितना फीडबैक मिलेगा, कितनी आप ऑडियंस को रीच कर पाएंगे, ईच एंड एवरी थिंग के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। कि अगर आपका एक होम बेस्ड बिजनेस है, अगर आपकी छोटी सी सर्विसेज बिजनेस है, अगर आपका एक बड़ा भी बिजनेस है, तो
फिर भी आपके लिए व्हाट्सएप बिजनेस बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसके ऊपर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ अगर करेंगे तो आपके जो कस्टमर्स हैं उससे इंगेजमेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी वर्थ की, तो व्हाट्सएप दुनिया का तीसरा ऐसा एप्लीकेशन है जिसको यूज़ किया जाता है। आमतौर पर आप किसी और एप्लीकेशन के ऊपर इतना नहीं जाते जितना आप व्हाट्सएप के ऊपर जाते हैं। एक दिन में आप 20 से 25 बार अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और अपने आए हुए या भेजे हुए मैसेज का फीडबैक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मोरल ये निकल के आता है कि जितनी भी ऑडियंस व्हाट्सएप के ऊपर है उस तक आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और आप बहुत ही अच्छी एक मार्केटिंग कर सकते हैं जिसको एक तगड़ी मार्केटिंग कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।